उदाहरण 10, परिमेय संख्या ऋण 7/3 के दुगने में क्या जोड़े जिससे 3/7 प्राप्त हो। हम उदाहरण 10 का हल देखते हैं। तो देखिए, प्रश्न में जो कहा गया है कि परिमेय संख्या ऋण 7/3 के दुगने में क्या जोड़े जिससे 3/7 प्राप्त हो। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं ऋण 7/3 का दुगुना। दुगुना का मतलब इसमें हमें कितना जोड़ना, कितना गुणा करना होगा, 2 का, यानी मिलेगा ऋण 14/3। अब प्रश्न में आगे सोचें तो क्या हो रहा है, इसमें क्या जोड़े जिससे 3/7 प्राप्त हो। तो मान लेते हैं कि ऋण 14/3 में x जोड़ने पर क्या मिलेगा, प्रश्नानुसार हमें मिलेगा 3/ प्राप्त होता है। ये कहाँ से आ रहा है, प्रश्नानुसार। तो इसे अब जो कथन हमारे पास है इसे गणितीय समीकरण के रूप में लिख लें, जैसे कि हमने पहले ही सीखा है। तो ऋण 14/3 धन x बराबर 3/7। तो इस तरीके से हमें जो प्रश्न है वो गणितीय समीकरण के रूप में दिखाई दे रहा है। अब यदि हम इस समीकरण को हल करें और x का मान निकाल लें तो हमें प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। चलिए इसे हल करते हैं, और इसको हल करने से हमें मिलेगा ऋण 14 धन 3x/3 बराबर 3/7। चलिए आगे हल करेंगे। हमारे पास जो समीकरण प्राप्त हुआ था वह है ऋण 14 धन 3x/3 बराबर 3/7। इसे आगे हल करने के लिए हमें मिलेगा ऋण 14 धन 3x बराबर 3×3। कोष्टक हल कर लें तो क्या प्राप्त होगा, 7× ऋण 14 धन 7×3x बराबर 3 और 3 का गुणा करने पर मिलेगा 9। अब 7 और ऋण 14 के गुणा से हमें कितना मिल जाएगा, ऋण 98 धन 7×21x बराबर 9। चलिए आगे हल करें, और ये जो 98 हमें इस पक्ष में मिल रहा है, यदि इसका पक्षांतर कर दिया जाए तो हमें मिलेगा 9 धन 98, क्योंकि ये यहाँ ऋणात्मक है, पक्षांतर होने पर यह धनात्मक प्राप्त हो जाएगा। अब 21x बराबर 98 और 9 को यदि हम जोड़ लें तो हमें मिलेगा 107। चलिए आगे हल करते हैं। हमें जो पद प्राप्त हुआ था वह है 21x बराबर 107। तो समानता के चौथे नियम से हमें मिलेगा x बराबर 107/21, यानी कि वह परिमेय संख्या जिसे हम ऋण 7/3 के दुगने में जोड़ें तो हमें मिलेगा 3/7। कौन सी होगी, 107/21। परिमेय संख्या ऋण 7/3 के दुगने में 107/21 को जोड़ने पर मिलता है 3/7। यह हमारा अभीष्ट उत्तर होगा। इस प्रकार प्रश्न हल हुआ।